हेलो प्लस टू क्लास तर लास्ट सेशन दे विच मैम ने थानू सिखाया सी कि अगर असी चेंजेस नू ऑन करके किसी नाल फाइल शेयर करिए रिव्यू दे लई तो किवें कर सकते हैं। तो मैम ने मेरे नाल फाइल शेयर की है, तो बुक दे विच एक बारी देखते हैं कि अज असी करना की है। सर अजे बुक दे विच दस्या होया कि जो फाइल अपने नाल शेयर हुई है तो उस दे विच असी ट्रैक चेंज, रिव्यू चेंज अते डॉक्यूमेंट दे विच कमेंट शामिल करन दे स्टेप देखांगे अज, ते कुछ चेंजेस करांगे अपने डॉक्यूमेंट दे विच जो मैनू रिसीव होया मैम वालों, तो वो देखते हैं जी। पहला कुछ चेंजेस करके देखते हैं ते देखते हैं किवें चेंजेस जो ऑन हुई ने वो किवें काम करेगा। तो मैं पहले थोनों फाइल दिखाता जो मैनू रिसीव हुई है। तो तुम जिवें देख रहे हो ये लास्ट वाली फाइल है जो मैनू रिसीव हुई है। मैं इसको थोड़ा जहा बड़ा करना, तो लास्ट वाली जो TOO ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ, ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ थैंकिंग यू जो है वह मैं मान लो कि छोटे अक्षर के पाना चाहना, तो देखो छोटे अक्षर पै गए हैं, तो जो ए वाला इसनों डिलीट कर देने। उरे बलजिंदर सिंह लिखा होया, इस दे विच असी नेम चेंज कर देने, कुछ इदा का नेम चेंज करता मोहित शर्मा। दैन उस तो बाद कलर्क DEO ऑफिस लिखा होया, इतने भी आप कुछ चेंज कर देने, जिमें स्टूडेंट GSS कपूरी कर देने। तो देखो जो जो चेंजेस कर रहे हैं तो जो डिलीट कर रहे हैं, डिलीट वाला स्ट्राइक थ्रू हो रहा, तो चेंजेस वाला अपने कोल येलो कलर दे विच आई जा रहा। होर चेंजेस करके देखने हैं, हेयर इज इंपोर्टेंट नो मैं डिलीट करके चेंज करना चाहना, तो मैंने इस दे विच चेंज करता, इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट इनफोरमेशन। तो देखो राजे ये सारिया चेंजेस आप कर चुके हैं। दैन नैक्सट बुक दे विच आप देखते हैं कि आपां नूं होर क्या दिता हुआ। तो बुक के नैक्सट अपन दिता हुआ है कि कमेंट अगर असी दाखिल करना चाहते हैं तो किवें कर सकते हैं। जिवें मान लो कुछ चेंजेस मैंने किए हैं तो उसकी थान पर मैं कुछ कमेंट एंटर करना चाहता, तो कमेंट्स भी असी एंटर कर सकते हैं। तो कमेंट दाखिल करने के स्टेप देखते हैं। करसर को उस थान पर रखो जिस थान पर तुम कमेंट को दाखिल करना चाहते हो, तेन उस बाद इनसर्ट को चुनो तो कमेंट को चुनो, तो उस तो बाद जो कमेंट आएगा उस दे विच असी कुछ एंटर करना। तो सिर्फ इन्ने के स्टेप है, बहुत ईजी है। इसनों आप देखते हैं सॉफ्टवेयर की मदद के नाल जो आप चलाया हुआ। तो जिमें ये अपने को सॉफ्टवेयर आ गया, मान लो मैं इत्थे कमेंट एंटर करना चाहता, तो इनसर्ट टैब पर गए आप, इतों असी कमेंट को लभना है। बिल्कुल जी आ रहा कमेंट, कमेंट कंट्रोल ऑल्ट सी नाल भी चल सकते हैं, तो इसको क्लिक कर रहे हैं। तो देखो ऐसी कुछ विंडो ओपन हो गई है, इसमें मैं थोड़ा जहा मिनीमाइज करने की कोशिश करना। इतने मैं कमेंट एंटर करना चाहता जिमें इट शुड बी वेरी, तो ये कमेंट मैंने एंटर करता। होर अगर कमेंट एंटर करना चाहता जिमें पूरे मोहित शर्मा की थान पर करना चाहता, तो इनसर्ट पर जाके कमेंट मोहित इज स्टूडेंट, तो ये एंटर करता। तो इतने भी मैं एक कमेंट एंटर करना चाहता। हूँ आप कंट्रोल ऑल्ट सी नाल चला के देख रहे हैं, बिल्कुल जी ये भी आ गया, कंट्रोल ऑल्ट सी नाल भी कमेंट आ गया अपना। इतने आप लिख दें स्कूल मस्ट बी कपूरी, तो स्कूल का नाम जो भी असी लिखना चाहते हैं। तो राजे ये आप कमेंट्स वगैरह एंटर कर चुके हैं सारे, तो इस फाइल में मैं करन लग्या सेव। ये फाइल हो गई है सेव कमेंट्स के नाल, कुछ चेंजेस के नाल। नैक्सट असी देखते हैं कि अपने को होर क्या दिता हुआ बुक के कमेंट्स तो बाद, कमेंट आप एंटर कर चुके हैं। नैक्सट है किए हुए बदलाव की समीक्षा करना, मतलब रिव्यू करना, चेंजेस जो भी असी कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट देखना कि असी अपने बदलाव को एंटर करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, वो भी असी देख सकते हैं। रिव्यू करना जिमें मान लो कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, तो उसको मैं चैक कराँगा कि कितने कितने चेंजेस हुए हैं, एक्सेप्ट करना चाहता या रिजेक्ट करना चाहता। यह सारिया चीज़ा मैं कर सकता इस दे विच। वो आप स्टैप्स देखते हैं कि है, जिमें एडिट से जाके चेंजेस से जाके एक्सैप्ट और रिजैक्ट पर आप क्लिक करना, तो एक बॉक्स आएगा अपने को जिस दे विच असी चैक करांगे कि क्या क्या इनसर्ट होया तो क्या डिलीट हो रहा, वो असी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्सैप्ट कर सकते हैं ते रिजेक्ट कर सकते हैं।
आओ जी नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल दे विच क्या दिता हुआ है। जिमें कमेंट वगैरह असी ऐड कर चुके हैं तो रिव्यू करांगे। हुण असी एडिट ते जाना, असी चेंजेस ते जाना। हुण चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस दे विच जाके असी असैप्ट और रिजेक्ट ते क्लिक करांगे। हुण देखो ये सारे अपने को इनसर्शन डिलीशन हुई है, जिमें इस पर क्लिक करांगे तो डिलीशन आपां नूं शो कर रहा है कि इत्थे डिलीट हो रहा है, हेयर इज़ डिलीट हो रहा है। इनसर्ट क्या होया, इट इज़ वेरी इनसर्ट हो रहा है। दैन उस तो बाद फिर कुछ इनसर्ट होया, इनसर्ट तो बाद आई थिंक स्पेस इनसर्ट हुई है। दैन डिलीशन दे विच अपने कोल नीचे अगर देखिए तो ये स्पेस डिलीट की अपना, फिर टी एच डिलीट होया तो उसकी थान पर टी एच छोटा आया। इनसर्ट दे विच मोहित शर्मा है, तो इदा असी इसनों चैक कर सकते हैं। रिव्यू दे लई असैप्ट करना चाहते हो, सिंगल सिंगल एक्सेप्टेंस करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो। अगर इको बार दे सारे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो। अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट ऑल करना चाहते हो भी जो चेंजेस हुए हैं वो मैनू नहीं पसंद है, वह भी कर सकते हो। तो ये आप एंड ते करांगे। उस तो पहला थोड़ा जा होर बुक दे विच देख रहे हैं जो आपू दिता हुआ तो वह चैक करते हैं एक बार कि कमेंट नूं अगर डिलीट करना हो किवें डिलीट करीदा है। एक कमेंट नूं डिलीट करन दे लई डिलीट कमेंट उत्ते क्लिक करना है, राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट उत्ते क्लिक करांगे। तो कमेंट नूं डिलीट करन दी कोशिश करदे हां जी, देखदे हां कमेंट किद्दां डिलीट हुंदा है। तो बिल्कुल जे सॉफ्टवेयर दे विच आ गए हां, कमेंट दे उत्ते राइट क्लिक करना है तो डिलीट कमेंट दी ऑप्शन आ रही है। या इक्को वार दे डिलीट कर सकदे हां, डिलीट ऑल कमेंट बाय अननोन ऑथर भी कर सकदे हां ते डिलीट ऑल कमेंट्स भी कर सकदे हां। तो मैं डिलीट ऑल कमेंट्स बाय अननोन ऑथर कर रहा। तो देखो जी सारे कमेंट मेरे डिलीट हो चुके ने, इक्को बार दे सारे कमेंट मेरे डिलीट हो चुके ने। नैक्सट अपने कोल देखते हैं क्या दिता हुआ बुक दे विच। नैक्सट है लेखक का नाम कन्फिगर करना। जिवें देखो राजे कमेंट के नीचे आ रहे थे ना अननोन ऑथर लिखे आ रहा है, इतने आप ऑथर का नाम भी कन्फिगर कर सकते हैं। तो उसके लिए असी टूल्स से जावे, दैन ऑप्शन, दैन ऑप्शन के ओपन ऑफिस वाला बॉक्स आ गया तो यूजर डाटा डायलॉग बॉक्स नज़र आता। उस असी यूजर डाटा के हेठ फस्ट एंड लास्ट नेम इनिशियल सैक्शन के नाम वगैरह टाइप कर सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं, बड़ा इंट्रस्टिंग प्रैक्टिकल इस देखते हैं। हूँ देखो टूल्स टैब लभो, तुम कि आ रही टूल्स टैब, टूल्स टैब ऑप्शनस सिलेक्ट करा, लास्ट ऑप्शन है। ऑप्शनस जो सिलेक्ट किया था ये बॉक्स अपने को ओपन हो गया, तो यूजर डाटा दे सारिया चीज़ा मेरे को आ रही ने। जिमें फस्ट नेम दे मैं अगर एंटर करा सुनील, लास्ट नेम दे मैं एंटर करा गौतम, तो यह मैं अपना नाम एंटर कर चुके हैं। उस तो बाद सिटी अगर मैं एंटर करा तो पटियाला एंटर कर चुके हैं। कंट्री इंडिया, दैन टाइटल टीचर, फिर उस तो बाद टेलीफोन या ईमेल ये मैं नहीं लिख रहा। कंपनी, कंपनी मैं आईटी लिख रहा। दैन उस तो बाद ओके प्रेस कर रहा, तो ये ओके प्रेस करता। आओ एक कमेंट एंटर करके देखते हैं, तो उस देखते हैं क्या हुन भी अपने को आ रहा है या नहीं जो अननोन ऑथर से। तो हुन देखो सुनील गौतम आ रहा है क्योंकि आप चेंज कर चुके हैं। तो इस दे विच जो भी कमेंट एंटर करांगे, जिवें मैं कुछ भी रैंडम एंटर कर रहा हूँ, कमेंट एंटर हो गया तो इसनों कर रहा सेव। उस तो बाद इस कमेंट नूं भी असी डिलीट कर देने, तो ये कमेंट डिलीट हो चुके हैं। दैन अगला स्टैप अपने कोल दिता हुआ कि अगर असी यूज करना होवे फिल्टर, जिवें मान लो कोई भी एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस है तो वह भी असी फिल्टर लगा के एंटर कर सकते हैं। जिवें मान लो ये डॉक्यूमेंट मैम ने मेरे नाल भी शेयर किया तो दो चार जने नाल होर भी शेयर किया, तो असी अपने अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड नूं एक्सेप्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। जिवें मान लो एक चेंज मैं अज कर रहा, एक चेंज मैं दो दिन बाद करा, एक चेंज मैं चार दिन बाद करा, तो मैं डेट वाइज भी चैक कर सकता हूँ। तो यह भी मैं फिल्टर थोड़ा चला के दिखाता कैसा होंगे। तो हम देखो इस सॉफ्टवेयर के असी अगेन एडिट पर जावे, चेंजिज, चेंजिज के एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, दैन फिल्टर। हम देखो फिल्टर के अगर डेट वाइज चलाना है तो टाइम वाइज एंड डेट वाइज चला सकते हो तुम फिल्टर। ऑथर के नेम तो चलाना है तो ऑथर के नेम तो चला सकते हो। तो मैं इसनों डेट वाइज देख रहा कि डेट वाइज है, तो फिलहाल असी सारे ही चेंजेस नाल दे नाल किते हैं, तो फिलहाल इसने काम नहीं करना। जस्ट थानू पता लग गया कि जैसा फिल्टर लगा देंगे वैसे ही चेंजेस सानू शो होंगे। नाउ नैक्सट है जिहड़ा स्टैप मैं पहला हॉल्ट किया, तो यह फिल्टर की वजह नाल ही किया। अगर मैं एक्सेप्ट ऑल करना चाहता भी जेडे भी चेंजेस हैं वो मैं सारे एक्सेप्ट करना चाहता,
एक्सेप्ट ऑल ते क्लिक करो तां देखो तुसी सारे डॉक्यूमेंट दे विच सारियां चीज़ां चेंज हो चुकियां ने एक्सेप्ट ऑल करन दे नाल, ते जो इत्थे एक्शन सीगे वह भी गायब हो चुके हैं। तो इस नूं मैं क्लोज कर रहा, तो इस डॉक्यूमेंट नूं कर रहा मैं सेव। दैन नैक्सट आंदे अपने कोल जो बुक दे विच दित्ता होया है, फिल्टर तो बाद अपने कोल आंदा अगर असी मार्कअप दिख बदलना चाहते हैं तो वह भी असी कर सकते हैं। तो मार्कअप दिख बदलना मतलब जिवें येलो कलर दे विच आ रहे सी जो चेंजेस सीगे तो उन्होंने भी असी चेंज कर सकते हैं। तो अगेन उही करना है, टूल्स ऑप्शन, ऑप्शन दे विच ओपन ऑफिस, दैन उस दे विच राइटर होएगा, एट्रीब्यूट अते कलर्स दे विच असी कलर चेंज करना है। तो इसनों आओ प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सब तो पहला असी टूल्स ते जावांगे जी। टूल्स दे विच अपने कोल ऑप्शन है, ऑप्शन दे विच अपने कोल एक बॉक्स आ गया। तो बॉक्स दे विच अपने कोल ओपन ऑफिस राइटर कुछ इदां दा दिखिया होया, तो इस दे विच जाके असी चेंजेस दे विच क्लिक करांगे। तो चेंजेस ते जदों असी जा रहे हाँ तो तुसीं देखिया कि इत्थे अपने कोल जो इनसर्ट हो रहा तो इदा आएगा, डिलीट हो रहा तो इदा आएगा, अगर कुछ ऐड वगैरह कर रहे हैं तो वो कुछ इदा शो होएगा। तो ये सारी चीज़ा भी असी कर सकते हैं। जिमें देखो डिलीट दे लई मैं बाय ऑथर ये कलर चेंज कर रहा, कलर दे विच मैं लगा रहा रेड, रेड कलर लगा रहा। तो इस पर स्ट्राइक थ्रू ऐसा ही रहन दें तो रेड लगाता, ओके करता। हूँ ना इस दे विच मैं चेंज करन दी कुछ कोशिश करता, डिलीट करना। देखो सेंड रेड कलर दे विच हो रहा, पहला ये येलो कलर दे विच आंदा सी, तां इसनों मैं कर रहा सेव। तो आई होप कि राजे सैशन थोनों समझ आया होएगा ते इंटरेस्टिंग भी लग्या होएगा क्योंकि प्रैक्टिकल दे नाल डेमोन्स्ट्रेट किया थोनों। तो अगे मुलांकन दे विच देख लेंगे डॉक्यूमेंट दे विच किए गए बदलाव नूं स्वीकार अते अस्वीकार करन दे ढंग, अक्सैप्ट एंड रिजैक्ट किवें कर सकते हैं। एडिट ते क्लिक करके चेंजेस, चेंजेस तो बाद अक्सैप्ट एंड रिजैक्ट, जरूरत दे मुताबिक तुसीं अक्सैप्ट ऑल या कला अक्सैप्ट भी कर सकते हो। मार्कअप दिख बदलना जस्ट होने करके हटे हाँ, तो यह भी कर सकते हो। तुसीं स्वीकार अते अस्वीकार करन दी ऑप्शन किस ड्रॉपडाउन मेन्यू दे विच हुंदी है, एडिट, ते किस दे हेठां हुंदी है, चेंजेस दे हेठा हुंदी है। डॉक्यूमेंट दे विच सारे बदलाव नूं स्वीकार करन दे लई एक्सेप्ट और रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स विचों डैश ऑप्शन नूं चुनो, एक्सेप्ट ऑल नूं चुनो। तां इत्थे तक ही सी जी अपना सैशन। तेरा जो चेंजेस मैं किते अपने डॉक्यूमेंट दे विच, ये डॉक्यूमेंट मैं अगेन मैम नूं सेंड करूँगा, तो मैम अगला सैशन थोनू कि जो डॉक्यूमेंट चेंज होकर आया उसनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे विच किवें मर्ज करना है, ऐड करना है, वह किमें कर सकते हैं वो सिखाएंगे। तो आई होप कि सैशन थोड़ा समझ आ गया होएगा। तो टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सबसक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट, ये सारा कुछ कर दिया करो यार, नहीं तो बोरिंग जहा लगता मैनू भी। फिर तो मिलते हैं जी नैक्सट सैशन के। टिल दैन टेक केयर।